नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ। बड़ी चर्चा। यूपी में बारिश के होने से मौसम भले ही खुशगवार हो गया हो, लेकिन इसकी मिट्टी से राजनीति की महक आने लगी है। जी हाँ, आप सभी प्राइम टीवी पर देख रहे हैं बड़ी चर्चा, और हम बात करेंगे यूपी में पल पल घटती और बदलती राजनीति के बारे में। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अगर सियासतदानों की नब्ज को टटोला जाए तो शायद ये पता चलेगा कि उन पर चुनावी बुखार हावी हो चुका है। महज कुछ महीने की बात है और उत्तर प्रदेश की हर एक गलियां चौक नुक्कड़ में चुनाव की पंचायतें बैठने लगी हैं। और हाँ, सबसे जरूरी और सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सभी पार्टी चुनाव से पहले अपनी कील काटे दुरुस्त कर रही हैं। बीजेपी में जहां बैठक पर बैठक हो रही है, तो वहीं सपा अपनी तैयारियों के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी के लिए बीएल संतोष और राधा मोहन जीत का मंत्र ढूंढने के लिए बार बार लखनऊ आ रहे हैं। साथ ही साथ यूपी में अपनी अभी तक जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस भी बैठक बुला रही है। खबर आई है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने करीब पूर्व के 100 विधायकों को पार्टी कार्यालय बुलाया और उनके साथ चर्चा की। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि सियासी गलियारों में इतनी बेचैनी क्यों बढ़ गई है। तो इतनी बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि इन दिनों जो दौरों की रणनीति है, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या गढ़ी जा रही है, किस बात को लेकर इतनी चर्चा हो रही है। तो इस पर चर्चा को आगाज करती हूँ मैं, और हमारे साथ सपा नेता विवेक पांडे जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ बीजेपी नेत्री शबनम पांडे जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो आज शुरुआत मैं विवेक जी आपके साथ करना चाहूंगी, और मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, लगातार बैठकें हो रही हैं, वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो वो जिले स्तर पर लोगों के पास जाते हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को चेहरे से पहचानने की जो है एक अखिलेश यादव में, वो कहीं ना कहीं ये कार्य करते रहते हैं, लगातार लोगों से जुड़ने का करते हैं। तो क्या ये बैठकों के बाद, भाजपा की बैठकों को देखते हुए, रणनीति में कोई बदलाव लाने वाली है सपा? पूरे मंच को धन्यवाद देता हूं मैं, और सभी के हार्दिक मंगल की कामना करता हूं। जेठ का मंगल है आज, और बजरंग बली सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। देखिए कीर्ति, सबसे पहले तो मैं बहुत ही आज उत्सुक हूं, और अच्छा लग रहा है मुझे इसलिए क्योंकि 2.9 मिलियन एंगेजमेंट के साथ साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार इस बार अखिलेश यादव जी पहले स्थान पे आ गए हैं फेसबुक पर। एक तो ये बात, दूसरी बात एक है कीर्ति, देखिए जब भी कोई चुनाव आते हैं तो ये राजनीतिक शिष्टाचार का एक हिस्सा होता है कि हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक के हर नेता, विधायक, सांसद, मंत्री से संवाद स्थापित करती है, जमीनी मुद्दों की हकीकत को जानने का प्रयास करती है, और आगामी चुनाव के लिए किस प्रकार की रणनीति विधानसभा या क्षेत्रीय परिणीति के अनुसार तैयार किया जाए, ये एक राजनीतिक परिवेश का हिस्सा होता है। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि ये हर राजनीतिक दल के आंतरिक मसलों से जुड़ा विषय होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए ये होती है कि इन्हीं राजनीतिक परिचर्चाओं के माध्यम से समस्याएं या जो हमारी आने वाली चुनाव को लेकर के भूमिका का स्पष्टीकरण होता है वो सामने आता है। इसमें अच्छी बातें भी होती हैं, नकारात्मक बातें भी होती हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि आपका जमीनी कार्यकर्ता क्या सोच रहा है, ये बात आपके सामने आए, क्योंकि चुनाव में कौन सी रणनीति या कौन सी बात हमसे छूट जाए जिससे चुनाव प्रभावित हो जाए, या चुनाव में कौन सी ऐसी बात है जो सामने आ जाए जिससे चुनाव हमारे पक्ष में हो जाए, इन बातों को जानने के लिए उन जमीनी कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करना बहुत जरूरी होता है। और जैसा कि आपने कहा कि अखिलेश यादव जी कार्यकर्ताओं को पहचानने की, तो देखिए ये हमारी पार्टी की परंपरा का हिस्सा रहा है। हमारे माननीय संरक्षक से राष्ट्रीय जो मुलायम सिंह जी रहे हैं, आप जानती होंगी उनके बारे में, ये बड़ा प्रचलित था कि वो कार्यकर्ताओं को नाम से बुलाते थे। तो ये एक अच्छी, मुझे तो लगता है ये एक स्वस्थ राजनीति का हिस्सा है, इससे कार्यकर्ता भी जो है वो सकारात्मक रूप के साथ ऊर्जावान होकर के पार्टी से जुड़ करके निष्ठापूर्वक कार्य करता है, और इसके साथ ही उसके अंदर एक अति उत्साह का संचार होता है कि राष्ट्रीय पटल का नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उसका नाम लेकर के अगर उसे पुकार रहा है,
तो मुझे लगता है कि इससे सकारात्मक इसीलिए मैंने ये चर्चा करी थी कि जिस तरह से जमीनी स्तर पर जिलों पर जाकर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो ये देखना जरूरी होगा कि अब भाजपा को मात देने के लिए आप किन रणनीतियों पर आगे कदम बढ़ाएंगे। मैं आप पर आऊंगी, लेकिन शबनम जी मैं आपसे आना चाहूंगी कि एक और आप लोग कह रहे हैं कि संगठन और सरकार के बीच जो भी तनातनी चल रही थी वो सब ठीक हो गई है, भाई लगातार 20 दिन में दूसरी बार बीएल संतोष दौरे पर आए हैं, तो भाई ये सबसे मेन जानना चाहूंगी कि बीएल संतोष का दौरे का क्या मायने निकल कर सामने आ रहे हैं और इनसाइड स्टोरी क्या गढ़ी जा रही है जिसको लेकर, क्योंकि अभी जो बड़ी खबर ये भी आई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य से मिलने उनके घर पर भी जाने वाले हैं, तो साढ़े चार सालों के बाद साढ़े चार सालों में पहली बार ये जरूरत आन पड़ी है कि जब वो घर जा रहे हैं। देखिए कीर्ति जी, ये जो अफवाह है, मैंने बार बार कहा कि ये अफवाह मात्र है कि सरकार और संगठन के बीच कुछ तनातनी चल रही है। निश्चित तौर पे सरकार और संगठन जब चलती है किसी प्रदेश में जिसकी सरकार होती है, तो संगठन के साथ कैसा समन्वय होना चाहिए, इस समन्वय में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या इसकी बेहतरी के लिए किया जा सकता है, ये निरंतर एक सजग संगठन करती रहती है। और इसी का हिस्सा है कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महामंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, साथ साथ रणनीति भी बनाई जा रही है आगामी चुनाव के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली की उत्तमता कहिए कि वो लगातार किस तरीके से चुनाव में आने के पहले रणनीति तैयार किया जाता है, किस तरीके से पन्ना प्रमुख जो कि सबसे निचले स्तर के हमारे कार्यकर्ता होते हैं और उससे उसके साथ साथ वरिष्ठ नेताओं के बीच का समन्वय भी देखा जाता है और सभी को जिम्मेदारियां भी दी जाती है, और साथ साथ सरकार अगर काम कर रही है तो सरकार के किन किन कामों पे को प्राथमिकता के तौर पे देखा जाए, किन कामों में कमियां हैं उसके बारे में एक सुझाव दिया जाए, ये सारी चीजें चलती है। जैसे कि इस बैठक में टीकाकरण अभियान को लेकर, पोस्ट कोविड सेंटर संचालन को लेकर, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को तमाम हमारे जनप्रतिनिधि गोद ले रहे हैं तो उस पर चर्चा हो रही है, तमाम ऐसे बिंदु जिस पर कि विपक्ष हम पे हमलावर हो रहे हैं तो उस पर भी चर्चा होगी कि उनमें क्या तथ्य है और क्या तथ्य नहीं है। फिर साथ साथ कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन क्या बीएल संतोष के ये दौरे और राधा मोहन के भी जो दौरे हो रहे हैं लगातार, रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बात करी थी, हालांकि रिपोर्ट कार्ड पहुंचा होगा उसके बाद कुछ भी खामियां मिली हो या उन चीजों को और दुरुस्त करने के, उन्होंने साफ तौर पर ये बयान जारी भी कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की गलतियां या खामियां रह गई थी चुनाव के दौरान वो उत्तर प्रदेश में दोबारा से दोहराई जाए तो उसको सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो जाए, तो क्या अभी और बदलाव कुछ सामने आ सकते हैं बीएल संतोष के दौरे के बाद? देखिए किसी भी चुनाव में हम ये नहीं कह सकते कि गलतियां रह जाती हैं कुछ, क्योंकि चुनाव में या परीक्षा में जो भी बैठता है वो पूरी तैयारी के साथ बैठता है, लेकिन परिणाम किसके पक्ष में जाए ये अलग बात होती है। लेकिन हाँ, अगर परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हमें और क्या क्या काम उसमें एड ऑन करना है, ये समीक्षा निश्चित तौर पे एक सजग राजनीतिक दल जरूर करती है। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में हमेशा अव्वल रही है कि वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती है, और अगर कहीं कोई समस्या है तो उसके निराकरण को कैसे निराकरण किया जाए इस पर भी चर्चा होती है, और तमाम विधायकों, सांसदों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी सबसे लगातार हमारे माननीय बीएल संतोष जी मिल रहे हैं और इस पर काम हो रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी किसी से मिलने जाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 75 जिलों के दौरे पे और तमाम लोगों से मिलने, चार सालों में पहली बार जाने की नौबत आई, इससे पहले अगर इस तरह की तैयारियां हो रही होती, इस तरह की बैठकें हो रही होती तो शायद ये सवाल ना उठते। देखिए निश्चित तौर पे चुनाव पास आ रहा है, चुनाव के दौरान किस मुद्दे पे चर्चा करना किसके साथ जरूरी है ये चुनाव के पहले ही होता है, तो साढ़े चार साल बाद अब 6 महीने बचे हैं तो चुनाव के बारे में क्या चर्चा की जा सके, किस रणनीति पे किस पे करनी है, वो चर्चा के लिए वो निश्चित तौर पे वहां जा रहे होंगे, या सरकार के वो उप मुख्यमंत्री हैं तो दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठकर इस चर्चा को करेंगे, तो ये कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि किसी के घर जाना या मिलना
बिल्कुल, 6 साल बाद जाना, 4 साल चुनावी चर्चा ही है शबनम जी। बिल्कुल, मैं भी इसको यही कह रही हूँ कि चुनावी चर्चा है, इसीलिए सवाल उठ रहा है। विवेक जी, मैं आप पर आना चाहूंगी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, रणनीति आप लगातार देख रहे हैं बदल रही है बीजेपी के भीतर, लगातार नए नए जो सेवा ही संगठन नाम दे दीजिए या फिर कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जा रहा है कि चुनाव के दौरान किसी तरह की कोई खामी ना रह जाए, तो पूरी तरह से भाजपा दृढ़ निश्चय के साथ उतर चुकी है, तो सपा की क्या तैयारियां है, क्या वो मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, जो खामियां हैं सिर्फ उनको गिनाने के लिए उतरेगी, या फिर अपने मुद्दों को लेकर उनको दृढ़ता से रखते हुए जनता के बीच में पहुंचेगी? कीर्ति जी, देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपना रुख थोड़ा सा बदला है। आपने एक नया स्लोगन हमारा सुना होगा, नई हवा है नई सपा है। जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता दूं कि जिस तरह से कोविड काल में अव्यवस्थाएं, असंवेदनशीलता या जो भी अपरिपक्व निर्णयों के कारण प्रदेश की जनता को त्राहिमाम देखना पड़ा या जो भी भयावह दृश्य हमारे सामने आए, उनको हम आधार और मुद्दा नहीं बनाना चाहते। लेकिन एक चीज मैं आपके संज्ञान में डाल दूं, जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट करके सबके संज्ञान में डालने का प्रयास किया है, कि एक RTI के तहत ये जानकारी सामने आई है कि 31 मार्च 2021 तक के कोरोना काल में 9 महीने में उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में मृत्यु का आंकड़ा सरकार द्वारा दिए आंकड़ों से 43 गुना अधिक है। बिल्कुल, ट्वीट तो भाजपा सरकार मृत्यु के आंकड़े नहीं बढ़कर अपना मुंह छुपा रही है। मैं आपको बताऊं, हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ सबसे पहले तो बेरोजगारी के मुद्दे, इस सरकार के जो भी आंकड़े हैं, मेरे पास तो आंकड़े रखे हैं, आप अनुमति देंगी तो मैं गिनवा सकता हूं कि किन भर्तियों के कितने आंकड़े पेंडिंग है। पुलिस स्मृति दिवस पे मुझे आज भी याद है, 2486 SI सब इंस्पेक्टर हमने उत्तर प्रदेश को दिए, ये वक्तव्य योगी जी ने बाकायदा मंच से कहे थे, उसका वीडियो मेरे पास आप कहेंगे मैं आपको दे दूंगा। वो बच्चे एक साल सात महीने से सारे आंकड़े तमाम चीजें आप लेकर बैठे होंगे, एक साल सात महीने से घर बैठे हैं। बिल्कुल विवेक जी, तमाम आंकड़े आपके पास होंगे, लेकिन सवाल इसीलिए मैंने सवाल ही मैंने शुरुआत में इसीलिए आपसे ये किया था, जिस तरह से आपने बोला कि नई लहर है और नई सपा की आप मुहूर्त देखेंगे, तो वो नई सपा किस तरह से उभरने वाली है, इसी पर मैंने सवाल बोला था कि क्या बीजेपी के मुद्दों को लेकर ही घेरने वाले हैं या फिर आप कुछ अपनी मजबूती से अपने मुद्दे उठाने वाले हैं जनता के बीच जाने वाले? हमारे पास अपने मुद्दे हैं, हमारे पास प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दे हैं, प्रदेश के बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे हैं, रोजगार घोटाले से जुड़े मुद्दे हैं, हमारे पास इस प्रदेश की सरकारी संस्थाओं की जिस तरह से कमर तोड़ी गई है, प्रभावित किया गया है, उसको दुरुस्त करने के मुद्दे हैं, उद्योगों को लाने का प्रयास करना है, क्योंकि MOU साइन करने से उद्योग तो नहीं आते, किसानों से जुड़े मुद्दों पे ये सरकार बात ही नहीं करना चाहती है। आज तक किसान आंदोलन के बारे में इस सरकार ने चर्चा नहीं की, और अब एक नया प्रकरण जो अयोध्या के सामने है उस पर मैं अभी चर्चा ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जैसे ही कहूंगा आप कह देंगे कि मैं राजनीति कर रहा हूं। तो मुद्दे देखिए, इस सरकार ने स्वयं अपनी नीतियों से इतने मुद्दे खड़े दिए हैं कि इस बार विपक्ष को मुद्दे ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, सकारात्मक रूप से प्रदेश के विकास के लिए हमारे पास जो योजनाएं पेंडिंग है, पुलिस सुधार बाकी है, PSC सुधार बाकी है, संस्थाओं में सुधार बाकी है, कर्मचारियों का जिस तरीके से वेतन विसंगति पे काम करना बाकी है। आप सोचिए, वेटरनरी के आज तक नियमावली नहीं बना पाई है सरकार, 2 साल से वेटरनरी की नियमावली पेंडिंग चल रही है, अब आप बता दीजिए। ठीक विवेक जी, शबनम जी, विवेक जी कह रहे हैं मुद्दे बहुत दिए हुए हैं भाजपा ने, उन्हें मुद्दों की जरूरत नहीं है, इतने मुद्दे दे रखे कि वो किसी पर भी घेर सकते हैं। हालांकि उन्होंने जो आपका मेन मुद्दा है विकास, उस पर भी ये कह दिया कि विकास तो अभी तक नहीं हुआ है, तो विकास सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने बताया, और जिस पर आप कह रहे हैं कि विकास को लेकर ही हम 2022 के चुनाव में फतेह हासिल करेंगे। शबनम जी, आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही कीर्ति। हेलो जी शबनम जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी मुझे आवाज आ रही है। शबनम जी, जिस तरह से विवेक जी ने कहा कि मेरे पास मुद्दे की कमी नहीं है भाजपा को घेरने के लिए और जनता के बीच जाकर अपनी रणनीतियों के बारे में बताने के लिए, और उन्होंने विकास का मुद्दा सबसे अहम बताया, जिस पर लगातार भाजपा ये कह रही है कि हम विकास के मुद्दे पर ही आगे जाकर फतेह हासिल करेंगे। निश्चित तौर पे देखिए, लगातार जो भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के पहले से लेके अब तक जितने भी चुनाव हुए देश में, विपक्ष ने नकारात्मक राजनीति की, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कामों को नकारने की कोशिश की, लेकिन जनता लगातार इस बात को नकारती रही कि नहीं, इस तरह के झूठे प्रचार प्रसार वाले पार्टियों को
उन्हें हाशिए पे डालने में जरा भी उन्होंने देरी नहीं की। अगर देखा जाए तो हमने जो विकास किया है हर तरफ, हर फील्ड में हमने विकास किया, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, कनेक्टिविटी अच्छी की है प्रदेश में, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, और किसान का मुद्दा लिया जाए तो किसान सम्मान योजना के तहत किसान को फायदा दिया है, सब्सिडीज दिए हैं तमाम उपकरणों में, और शिक्षा के तरफ देखा जाए तो नकल विहीन शिक्षा का हमने प्रावधान किया है और इस कोरोना के समय ऑनलाइन शिक्षा का किया है। पहली बार ई बजट पेश किया गया, डिजिटल इसको हमने बहुत तेजी से प्रदेश में बढ़ाया है, आज तमाम काम जो है ऑनलाइन किए जा सकते पा रहे हैं। विकास का तो देखिए निश्चित तौर पर होने से सिर्फ बातें हो जाती है। देखिए एएमयू साइन होने के साथ धरातल पे बहुत से काम चल रहे हैं जिसका कि धरातल पर जाने पर ही विपक्ष को पता चल सकता है, लेकिन विपक्ष जानने के बावजूद अनदेखा करने की बात कही, और यही बात मैं बार बार कह रही हूँ, विपक्ष हमेशा से नकारात्मक राजनीति की, कोई भी सरकार अगर सत्ता में आती है तो तमाम जो कार्य है उसको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोग इस प्रदेश के नागरिक ही हैं, और उन नागरिकों के घर अगर शौचालय, आवास, बिजली, गैस कनेक्शन और उनकी कनेक्टिविटी गांव और शहरों से अच्छी हुई है, एक्सप्रेसवे, चार चार एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने जा रहा है, वो दिख रहा है। किसानों का मुद्दा भी चुनौती है, इसके बाद जिस तरह से कोरोना काल में व्यवस्थाओं के लिए आपके मंत्रियों ने आवाज उठाई वो भी एक बड़ी चिंताएं हैं, बेरोजगारी बड़ी चिंता है, ये भी तो चिंताओं का विषय है। देखिए किसान के मुद्दे पे अगर देखा जाए तो वो किसान जो हमेशा कर्ज में डूबा रहता था उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलता था, कर्ज के नाम पे पैसे जरूर दिए जाते थे लेकिन उन्हें सहायता के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी किसी सरकार ने कभी नहीं दी, पर हमने किसान सम्मान योजना के तहत लगातार उनको मदद किया। यूपी के किसान नाराज हैं और उन्हें मनाने के लिए अब बीएल संतोष ने ये साफ तौर पर कह दिया कि पश्चिमी यूपी के जो किसान नाराज हैं उनको मनाने की, उनको समझाने का प्रयास अब आप लोगों को करना जरूरी होगा। देखिए किसानों की अपनी जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए अगर किसान के साथ सरकार और संगठन बैठती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये काम लगातार होता रहा है। और माननीय बीएल संतोष जी जब उत्तर प्रदेश आए हैं तो उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया है, और किसानों को अगर देखा जाए तो उनके भुगतान सबसे गन्ना किसानों का भुगतान देखिए तो अभी तक की जो भी सरकारें आई हैं उनके बकायों को भी हमने भुगतान किया है। अगर खरीद की बात की जाए, चाहे धान की खरीद हो, गेहूं की खरीद हो या तमाम अन्य फसलों की खरीद हो, उसमें भी हम अव्वल रहे हैं अन्य जितने भी प्रदेश में सरकार बनी उनसे। तो हम हर मुद्दे पे किसान के साथ रहे, किसान को लगातार उनकी खेती को किसानों के अंदर साउंड करने के लिए भी सरकार है, लेकिन उनकी क्या समस्याएं हैं, एमएसपी पर धान नहीं खरीद हुई, किसानों के अंदर नाराजगी भी बहुत है, ये बड़ी चुनौती है। समस्याएं और भी हैं उनको भी हम निश्चित तौर पे उनका समाधान करेंगे। ऐसा कहीं नहीं कि सरकार हर वक्त अपने प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिकों के साथ खड़ी है, उनकी हर समस्या का समाधान के लिए सरकार वचनबद्ध है, तो इसलिए सरकार कहीं मुंह नहीं फेर रही है। इन 4.5 सालों में जो हमने सेवा किया है उस सेवा के साथ भी अगर समस्याएं और भी रहती है, क्योंकि देखिए विकास सतत प्रक्रिया है, कोई एक दिन में कंप्लीट नहीं हो जाता, बिल्कुल तो लगातार है, लेकिन 5 साल पूरे होने वाले हैं शबनम जी, 5 साल पूरे होने में समय नहीं बचा है और इसपे नाराजगी और जो चुनौतियां हैं वो भाजपा के सामने बहुत बड़ी बड़ी भी खड़ी है, ये भी समझने की जरूरत है। और इसी को लेकर शायद बीएल संतोष और राधा मोहन लगातार आ रहे हैं, जेपी नड्डा का भी दौरा लगेगा, वो भी आएंगे यहाँ यूपी में, और उसके बाद लोगों को समझाने की इसीलिए प्रयास किया जा रहा है, विधायकों को कहा जा रहा है सेवा ही संगठन कार्य चला, ताकि आप जनता के बीच में आप जाएं और जनता को समझाने की कोशिश करें। ठीक है विवेक जी, मैं आप पर आना चाहती हूँ, सेवा ही संगठन नाम तो दे दिया गया है, लगातार लोगों के बीच में जाने की बात भी की जा रही है, आप लोग किस रणनीति के साथ लोगों के बीच में जाने वाले हैं और अभी क्या तैयारियां संगठन और आपकी सरकार के बीच में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बता दूं, इनकी विकास की जो बातें हमारे पक्ष की जो सरकार की प्रतिनिधि जी बता रही थी,
तो इनको याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है बेरोजगारी की 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, किसान इनसे इतना प्रभावित है कि यूपी के शामली में केंद्रीय मंत्री इनके संजीव बलियान का जो विरोध हुआ था कि इनके मंत्री जी को गांव में घुसने तक से किसानों ने मना कर दिया था, अगर इनको न याद हो तो, उसके उनके काफिले के आगे ट्रैक्टर लगा के रोक दिया गया। अब इसी परिक्रम में एक बात अब आपकी संज्ञान में डाल दूं, केशव प्रसाद जी ने 2 दिन पहले ट्वीट किया, देश का विकास जितना 60 साल में नहीं 7 साल में हुआ, प्रदेश का विकास जितना 15 साल में नहीं 4 साल में हुआ। तो मेरा तो एक सवाल है इनसे कि इसका मतलब इनके पूर्व के जो 5 मुख्यमंत्री थे या भाजपा के पूर्व इसके प्रधानमंत्री थे जो अटल बिहारी जैसे दिग्गज नेता, आपने उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया, तो राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप किस स्तर तक जा सकते हैं, ये तो आपके अपने मंत्री जी बता रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा, बातों को प्रमाणित करना पड़ता है, हम मुद्दों की बात कर लेना, सकारात्मक मुद्दों की अगर मैं बात करूं। लेकिन विवेक जी, एक और आप ये भी तो मानेंगे, इन तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें फेस करने के लिए ही तो तैयारियां हो रही हैं ताकि कोई कमी ना रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं 4 साल में आपने इस जनता को जो भी दिया है वो जनता भूलेगी, उनकी तैयारियां आपके लिए खतरा ना बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ उसी बात पे कि 4 साल में आपने जनता के साथ जो भी किया है, आप बुलडोजर चलवाते रहे उससे हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके भाजपा के पदाधिकारी जो अवैध कब्जा करके बैठे रहे आपने उनपे कभी कार्रवाई नहीं की। कोविड काल में लोग अपने घरों के लिए तरसते रहे, आपके भाजपा के पदाधिकारी अपने आपके भाजपा के पदाधिकारियों के संरक्षण में अवैध कब्जे करते रहे, बेघर करते रहे लोगों को, उसपे आपके भाजपा के एक शब्द ना निकले। मैं कई बार आजमगढ़ का उदाहरण दे चुका लेकिन आज तक भाजपा उसपे मौन है। वो दंपत्ति अभी 2 दिन पहले भी उसकी वीडियो वायरल हुई है, एक न्यूज चैनल ने टेलीकास्ट किया लेकिन उसपे मौन नहीं है। लेकिन न्याय दिलाना है, चुनावी रणनीति स्पष्ट करने की जरूरत है विवेक जी, तैयारियां दुरुस्त करने की जरूरत है क्योंकि भाजपा पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है, और अगर उनकी तैयारियां दुरुस्त हो गई तो कहीं ना कहीं खतरा आपके लिए ही होगा। नहीं नहीं नहीं, हमें कोई खतरा नहीं, भाजपा की चुनाव देखिए इस बार डीएम एडीएम एसडीएम इनके जिला के जो अधिकारी हैं वो जिला पंचायत अभी लड़ने जा रहे हैं, हमारे जो जिला पंचायत के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको प्रभावित करने का भाजपा पूरा प्रयास कर रही है, या तो हमारे साथ या तो बिल्कुल नहीं, या तो जिला पंचायत की जीत पर पीठ थपथपा लीजिए या आगामी चुनाव को लेकर रणनीति स्पष्ट कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी रणनीति स्पष्ट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बड़ी चर्चा में शामिल होने के और इसका हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठापटक का दौर चालू है, लेकिन भाजपा के भीतर कहीं ना कहीं जो लगातार बैठकें हो रही हैं उन बैठकों से यही स्पष्ट निकल कर आ रहा है कि 2022 के चुनाव को साधने के प्रयास इन बैठकों के जरिए ही निकल कर इसका समाधान मिल पाएगा, क्योंकि लगातार सरकार और संगठन के बीच अंतर विरोध की जो खबरें हैं वो बड़ा रूप ले चुकी है और ये सबके सामने स्पष्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं अंतर विरोध है जिसको खत्म करना जरूरी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर भी पहुंचे और वहां पर भी कहीं ना कहीं लंच पर चर्चा की बात की जा रही है, लेकिन उस लंच को सियासी रूप भी देना जरूरी होगा क्योंकि चुनाव नजदीक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे उत्तर प्रदेश की चुनाव की कुछ नई अपडेट लेकर और बड़ी चर्चा में ऐसे ही नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और हाँ, मेरे साथ देखते रहिए प्राइम टीवी।